नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। आप लोगों को पता है कि भर्ती निकली हुई थी और इसमें बाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बहुत कंफ्यूजन था, 165 हाइट या 170 हाइट, उसको लेकर के मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था। उसके बावजूद भी काफ़ी लड़कों का ये कमेंट आ रहा था कि सर उसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा, 165 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। और फाइनली ये जो 165 सेंटीमीटर हाइट है इनका फॉर्म चालू हो चुका है। और आप भी अगर 165 सेंटीमीटर हाइट है और कुछ एज वगैरह का क्राइटेरिया है तो आप भी फटाफट इस फॉर्म को भर लीजिए। देखिए, सीआरपीएफ में कांस्टेबल में ट्रेड्समैन की अगर बात करेंगे, ट्रेड्समैन या टेक्नीशियन में, तो 9000 से भी ज़्यादा ये बहुत बड़ी भर्ती बहुत कम आती है, बहुत कम क्या, आती ही नहीं है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जो भी आप समझ लीजिए। तो अगर आप इस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसके बारे में 9000 जो पोस्ट था इसके बारे में मैंने पुराना वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें आप कुक वगैरह बहुत सारे ट्रेड वाइज पोस्ट थे, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ आप कमेंट कीजिए। यहाँ पर केवल हम लोग बात करेंगे 148 जो नया भर्ती थी, ये जो सीट बढ़ी हुई थी इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना हाइट का थोड़ा सा आपको छूट मिला हुआ है, हाइट में छूट है, एज में छूट है, वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप 148 सीट पे ये आवेदन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको पता 25 अप्रैल से भरा जा रहा था और लगभग 25 मार्च से ये फॉर्म भरा जा रहा था और लगभग लगभग 2 मई तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। तो 2 मई तक आपके पास लास्ट डेट है, 2 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट में पहले 25 अप्रैल था लास्ट डेट, लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ाया गया, 2 मई तक कर दिया गया। तो अब आप आराम से ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन चालू है, भर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो केवल ये एक जो 148 सीट है ना, इसके लिए जेन्युइन एज 18 से 28 साल चाहिए, मतलब 18 कम से कम, 28 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। 2/5/2023 मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 2 मई है, उस दिन तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा और 28 साल से ज़्यादा नहीं है तब आप आराम से भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 3/5/1995 से लेकर के 2/5/2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये जनरल कैंडिडेट, जी हाँ जनरल वाले, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बात एससी अगर हैं, एससी एसटी हैं तो आप 33 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ओबीसी 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जनरली जो ये पोस्ट है ना 148, ये मिनिस्ट्रियल टाइप का पोस्ट है, जी हाँ मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसमें आपको बात करेंगे दफ्तरी प्यून फराज सफाई कर्मचारी टाइप का पोस्ट है इसमें। इसके लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो मात्र 10th पास रखा गया है। और अगर ये आपका 10th पास इस बार अपीयरिंग है, मान लीजिए कई बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है या रिजल्ट हो रहा है, तो आपका अगर 2 मई तक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या रिजल्ट आउट हो जाता है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड का कल रिजल्ट आया हुआ है तो आप अगर आप एलिजिबल हो गए होंगे तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ कि सीएपीएफ यूपीएससी की तरफ से सशस्त्र सीमा बल में सीनियर कमांडेंट का बहुत अच्छा भर्ती निकल कर आया है, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन पास वालों के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब सीट की बात करेंगे तो दफ्तरी देखिए होता क्या है, जनरली दफ्तरी होता है जैसे ऑफिशियल वर्क में फोटोकॉपी जीरोक्स वगैरह करना, चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाना, ये सब काम होता है। इसमें 80 टोटल सीट है, प्यून सभी परिचित है, प्यून के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 52 सीट है, फरास में जनरली जैसे थोड़ा सा पानी वगैरह कूलर वगैरह में भरना, सफाई कर्मचारी, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है, तो आप 7 सीट यहाँ है। और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल में 9 सीट है, टोटल 148 सीट पे ये भर्ती है जो बढ़ी हुई भर्ती थी, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करेंगे तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये लेवल 3 का पेमेंट है। अब ये कम से कम पेमेंट आप मान के चलिए 30,000 से 35,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्ट है अगर आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लड़कियां 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप हम फॉर्म को भर सकती हैं। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए कम से कम 77 और फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, 82 सेंटीमीटर तक अगर आपकी चेस्ट है तो आप एलिजिबल हैं आराम से। तो अब देखिए क्या क्या छूट मिल गई, 165 हाइट पर भर सकते हैं, उसके साथ ही साथ 18 से 28 साल एज होना चाहिए।
अब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी डिफेंस में नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप अदर वाला जो 9000 वाला सीट देखेंगे ना, तो उसमें जो हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। 170 बहुत कम होता है, जनरली बहुत कम होता है, ठीक है। और खास करके वैसे लड़के जो शुरू से तैयारी कर रहे हो, तो उनकी होती है तो वो आराम से भर लेंगे, लेकिन और सबके लिए बहुत मुश्किल हो। तो आप इसमें आराम से 148 सीट जो है, आप जब भी फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। जब आप जैसे फॉर्म लॉगिन कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको ये ऑप्शन अगर दिख रहा दफ्तरी, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पीयून के लिए, या फिर फराश के लिए, या सफाई कर्मचारी, इनमें से चार में कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। कोई भी एक ही के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक हाइट 165 सेंटीमीटर जब आपका होगा तो फिजिकल वगैरह, तो आपको वहाँ पर लगेगा। इसके अलावा अगर आप कोई सेलेक्ट करते हैं, जैसे कुक है और बहुत सारा ट्रेड है, प्लम्बर वगैरह है, उसमें अगर आप जानते हैं कारपेंटर वगैरह में, तो आपका 170 हाइट लगेगा, ठीक है। अगर गोरखा एसटी मेल कैंडिडेट है, तो 152 सेंटीमीटर आपको हाइट है, मतलब 3 सेंटीमीटर का छूट भी है। गोरखा अगर फीमेल कैंडिडेट है, 150 सेंटीमीटर लड़कियां आपको लगेगा। उसके बाद पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ है 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में लड़कों के लिए, और 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में लड़कियों के लिए। तो ये आपका बेसिक बेसिक ये फिजिकल और मतलब दौड़ वगैरह आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला स्टेप में है सीबीटी, दूसरा पीईटी होगा। जी हाँ, पहले आपका रिटेन हो जाएगा, उसके बाद दौड़ होगा, दौड़ के बाद आपका फिजिकल होगा, ये वाला हाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रेड टेस्ट कह सकते हैं। तो सीबीटी जो होगी ना फर्स्ट, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये पार्ट रहेगा, जिसमें 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का, हर एक सवाल एक एक नंबर का। जीके और जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का। मैथ से 25 सवाल, 25 नंबर का, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो भी आप लीजिएगा, किसी एक में से आपका 25 सवाल रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है आपका कंप्रिहेंशन टाइप से भी, या कुछ और भी हो सकता है, तो ठीक है। तो टोटल अगर जोड़िएगा तो 100 सवाल है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, मतलब 100 सवाल 2 घंटा बहुत है, पर्याप्त है। 120 मिनट मतलब हर क्वेश्चन पे आप आराम से अच्छा खासा समय दे सकते हैं, टाइम के यहाँ पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपकी तैयारी पे, अगर आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 9000 से ज़्यादा सीट पे भर्ती नहीं आती है, ठीक है। तो 100 सवाल सॉल्व करने के लिए 120 मिनट बहुत पर्याप्त है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 0.25 है, मतलब हर 4 गलत पे एक नंबर कटेगा। तो जो सही होगा उसको टिक मारिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भर्ती ना बहुत दिनों बाद आई है, तो हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी भर्तियाँ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जीडी वगैरह में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कंपटीशन हो सकता है कम हो, ठीक है। तो जितना आए उतना को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जो भी कट ऑफ वगैरह बनेगा, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका सेकेंड स्टेप में पीईटी होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 10 मिनट में लड़कों को, और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में आपको समय दिया जाएगा, 2 मिनट ज़्यादा लड़कियों को मिलेगा। अगर पीईटी भी पास कर जाती है, तो हाइट 165 पे आपका हो जाएगा लड़कों के लिए, 155 लड़कियों के लिए। उसके बाद लास्ट में होगा स्किल टेस्ट, जिसको हम लोग ट्रेड टेस्ट। तो जो जो भी आप ट्रेड है, जैसे दफ्तरी के लिए है, तो दफ्तरी से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा, मतलब पत्र वगैरह कैसे बनाना, स्टाम्प वगैरह, ये सब सारी चीज़ें रहती है। तो इसमें 50 नंबर का वो आपका स्किल टेस्ट होता है, उसको पास करना है तो कम से कम 20 नंबर तो लाना पड़ेगा, और ये आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो 50 में 40 भी ला सकते हैं, 45 भी ला सकते हो, जितना अच्छा लाइएगा उतना बेस्ट है। और इन सब चीज़ों को मिला करके एक फाइनल मेरिट बनेगा। अगर मेरिट में आप सेलेक्ट होते हो, तो आपके सामने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में, मिनिस्ट्रियल पोस्ट में जाइएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात जनरली वाले में जाइएगा, तो उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए शायद 157 सेंटीमीटर की हाइट है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन अभी भी रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और इस तरीके की ना बेहतरीन जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो करके रख लीजिए, फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।